हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच। कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड आई हैव 10 इयर्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और मैं ऐसा नहीं करता कहता हूँ कि ये केवल एक फ्रेशर्स का क्वेश्चन है, इवन ये एक्सपीरियंस का भी क्वेश्चन होता है कि इवन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑल्सो जनरली उनका भी यही एक कंसर्न रहता है कि भाई मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों पढ़ना है, आखिर में क्या इसका रोल है, क्योंकि मेरे को तो टेक्नोलॉजी आती है, लैंग्वेज आता है, तो मैं क्यों पढ़ूं इसको। तो ये इसलिए मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं इस डाउट को क्लियर करना चाहूं, आइदर वो फ्रेशर्स हों या एक्सपीरियंस्ड हों। ओके, सो इवन मैं आपसे एक बिफोर गोइंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक और बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि इवन मैं भी कैंपस हायरिंग का पार्ट रह चुका हूँ और टाइम टू टाइम रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कैंपस में हायरिंग के लिए जाते हैं, या तो अगर ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, या अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए भी हो, मे बी वो एक्सपीरियंस लोग हों, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू क्या होता है कि जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं सबसे पहले एक सबसे पहला जो चीज़ है वो मैं ये देखना चाहता हूँ उस कैंडिडेट के अंदर कि उस कैंडिडेट को DSA का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर उसको DSA की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है और वहाँ पे एक रोड ब्लॉकर हो जाता है उस कैंडिडेट के लिए। क्यों ना वो कैंडिडेट बहुत ही अच्छा हो किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी लैंग्वेज में। ओके, सो इसलिए मैं चाहता था कि ये टॉपिक जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया जाए। ओके, सो सबसे पहले ये चीज़ है कि DSA का इम्पोर्टेंस। तो DSA का इम्पोर्टेंस, जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए भी है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर अच्छे से आता है और आपका कमांड है उस पर, तो इसके दो फायदे होते हैं। ओके, इसके दो फायदे हैं। पहली चीज़ कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करोगे जब, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में बिल्ड करोगे, एक प्रॉपर DS यूज़ करोगे, प्रॉपर एल्गोरिथम यूज़ करोगे, और आपको जो प्रोडक्ट जो बिल्ड होगा वो एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट बिल्ड होगा, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंस क्या है इस DSA का कि अगर आप देखोगे कि बहुत सारी जो अच्छी कंपनी है, मैं अगर बात करूँ Tier 1 कंपनी की या Tier 2 कंपनीज की या अच्छे प्रोडक्ट कंपनीज की, तो उनका भी एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न ये होता है कि कैंडिडेट को जो है DSA का एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो दो फायदे हैं कि पहली चीज़ आप DSA के, अगर आपको DSA का साउंड नॉलेज है, तो पहली चीज़ कि आप एक बेटर सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, एंड दूसरी चीज़ कि आपके चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनीज में जाने के लिए। अगर किसी भी अच्छी कंपनी में भी आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, किसी की भी बात करो, तो वहाँ पर आप इजिली क्रैक कर सकते हो। तो ये दो फायदे हैं। तो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम होता क्या है। ओके, तो अगर मैं एक बेसिक लेमैन टर्म में अगर बोलूँ, तो अगर ये देखा जाए तो ये एक, लेट्स से अगर ये एक बॉक्स है और यहाँ पर कुछ इनपुट जाएगा, कुछ इनपुट होगा और इधर कुछ आउटपुट होगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कुछ इनपुट पास करेंगे और इस बॉक्स के थ्रू, और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ये बॉक्स क्या है? इस बॉक्स के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखा है, इस बॉक्स के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखा है। जैसे एक एग्जांपल ही आप ले लो कि एडिशन का है, तो एडिशन में आप क्या करोगे कि कुछ दो नंबर लोगे एज अ इनपुट और यहां पर आपका एडिशन का लॉजिक रहेगा और यहां पर आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से अगर रिलेट करूं तो कैसे करूंगा कि इस इनपुट और इस आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी। सो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने
वेरिएबल्स, अपने वैल्यूज, अपने इनपुट्स आप वहां पे स्टोर कर सकते हो मेमोरी के अंदर। तो ये आप कहां पे स्टोर करोगे? किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में, राइट? इस आउटपुट को भी आप कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे, तो इसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर कई टाइप के होते हैं, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, जैसे कि एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, ट्रीज, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। और आप इनके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि इन सारे चीज़ों को और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को और प्रॉपर अल्गोरिथम्स को हम अलग प्लेलिस्ट में और प्रॉपरली उसको डिस्कस करने वाले हैं, और हम ऑलरेडी हम उस कंटेंट को रेडी कर रहे हैं जो कि आप उसको देख सकते हो और उनके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस इनपुट और इस आउटपुट को स्टोर करने के लिए, मान लो ये तो कोई एक वैल्यू होगी, कोई तो वैल्यू होगी, जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2+2 है और 3 है, इनपुट है और ये है एडिशन का लॉजिक, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 ये क्या है? इनपुट है, डेटा है, इसको स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में कुछ स्पेस चाहिए। सो 2 और 3 है, ये हमारा इनपुट है, इसको हम किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको स्टोर करेंगे, और ये जो आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट को भी किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर करेंगे। अब यहां पर जो हमने लॉजिक लिखा है, कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा है, बिजनेस लॉजिक। अब ये हो सकता है कि ये सिंपल बिजनेस लॉजिक हो, या ये हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक है, ओके? बट अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत ही सिंपल लॉजिक है और वो एडिशन का लॉजिक है। तो इस लॉजिक को, जो भी बिजनेस लॉजिक लिखा है, इसको मैं बोलता हूं अल्गोरिथम। अल्गोरिथम तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिथम। तो मैं जो है आपसे एक दूसरा रियल लाइफ का प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिथम क्या है। ओके, तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो मान के चलो कि आपके पास एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर स्टोर्ड है, और वो नंबर मान के चलो रोल नंबर है, ठीक है? तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर स्टोर है, 99, 5, 15, 1000, 100, ठीक है? अगर अगर मेरे को एक नंबर ढूंढना है, सर्च करना है इधर, और वो नंबर मेरा जो है वो 1005 है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को हर एक पेज में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये नंबर मेरा है या नहीं, ये है कि नहीं, बारी बारी से मेरे को पेज, तो 100 पेज तक मेरे को जाना पड़ेगा। और लेट्स से कि ये मेरा 99th पेज पर है, ये मेरा 99th पेज पे है, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं क्या करूंगा कि इसको आइट्रेट करूंगा और देखूंगा कि 99 जो है, क्योंकि मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो है 1005। सो अगर मेरा डिजायर्ड आउटपुट 1005 है, तो पहले मैंने 99 को चेक किया जो कि 1005 के बराबर नहीं है, फिर मैंने 5 को चेक किया, वो भी नहीं है। ऐसे करते करते मैं जब 99th पेज पे आया, तो 1005 मेरे को मिल गया, और वही मेरा आउटपुट है। तो ये मेरा क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो ये नंबर सारे जो स्टोर्ड हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं, और दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरा, ये doc2 है, और ये मेरा जो था वो doc1 था। तो इस doc2 में मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं जो भी नंबर स्टोर करूंगा उस डॉक्यूमेंट में, वो सारे नंबर्स जो होंगे वो सॉर्टेड होंगे, मतलब कि एक असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, मान के चलो अभी आप। तो यहां पे 5 हो गया, देन आपका 15 होगा, देन आपका 19 हो गया, देन आपका 100 हुआ, एंड देन 1005 हो गया। ओके, तो अभी जो है ये जो डिटेल्स हो गई, ये सारी सॉर्टेड हैं। अब कुछ ना कुछ अल्गोरिथम होता होगा, कि जैसा कि मैंने अभी आपको एक बॉक्स के थ्रू समझाया था कि ये हमारा एक इनपुट है, आउटपुट है, और बीच में बॉक्स है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर मैंने इस बॉक्स में पास किए, और वो बॉक्स जो है मेरे को एक सॉर्टेड आउटपुट दे दिया, और उसी बॉक्स को मैं बोल रहा था एल्गोरिथम। सो सिमिलरली उसी एल्गोरिथम को मैं यहां बोलूंगा कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो
तो ये जो चीजें मैंने अचीव की हैं, ये सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको मैंने अचीव किया है सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इंसर्शन, सेलेक्शन, बबल, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। बट वो आप इसके बारे में आप वरी मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हमारा जो है ये सॉर्टेड हो गया। तो अभी आपने ये देखा होगा कि एक अल्गोरिथम, एक प्रॉपर अल्गोरिथम यूज करके अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करता हूं, कैसे मैं इसको और ऑप्टिमाइज करता हूं। तो एक सॉर्टिंग अल्गोरिथम यूज किया और रैंडमली रैंडम एलिमेंट जो जनरेटेड, जो स्टोर्ड थे यहां पे, वो अब थोड़े से सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए यूजिंग में भी कोई भी सॉर्टिंग अल्गोरिथम यूज करके। ठीक है, अब अगर मेरे को 1005 सर्च करना है, 1005 सर्च करना है, तो अब मैं सॉर्टिंग अल्गोरिथम का जो प्रॉपर्टीज है, या सॉर्टेड नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, उनको मैं यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, नंबर को सर्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता होगा कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने नंबर स्टोर हैं। ओके, और मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट, जैसे मान लो अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 0 रहेगा, और अगर एंड इंडेक्स मान लो अगर मेरा 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 नंबर अगर स्टोर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, 0 + 1000 डिवाइडेड बाई 2 करके इक्वल टू 500। मैं डायरेक्ट सबसे पहले क्या करूंगा, 500 मान के चलो कि ये मेरा जो है 500 इंडेक्स है, मतलब 500th प्लेस है। इस प्लेस पे मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला के थ्रू चला जाऊंगा, या ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या एल्गोरिथम होगा, क्या लॉजिक होगा। बस अभी मैं आपको एक जस्ट एक प्लेन टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलो आप एज्यूम करो कि ये हमारा 500 प्लेस जो है, 500 प्लेस ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स पे मैं डायरेक्टली फर्स्ट आइटरेशन में जंप करूंगा, और मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो गिवन नंबर था, जो डिजायर्ड आउटपुट था 1005, वो मेरे इस नंबर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर अगर वो नंबर इस नंबर से बड़ा है तो डेफिनेटली मेरे को आगे सर्च करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो मेरे को पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उतने नंबर ऑफ आइटरेशंस को मैं कम कर दूंगा। इस तरह मैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, तो इतने नंबर ऑफ आइटरेशन मैंने कम कर दिए। अब मेरे को बस नीचे आना है, फिर क्या करूंगा, मैं यहां से आइटरेट करके 100 पे आया, और मैंने चेक किया कि 100 और 1005 में 1500 से छोटा है या बड़ा है। डेफिनेटली बड़ा है, तो एक और पॉइंट में आगे बढ़ जाऊंगा, एक और आइटरेट में करूंगा एक और इंडेक्स, और उसके बाद मेरे को मिल जाएगा कि 1005 जो है और ये 1005 दोनों ही इक्वल हो गए। मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा और सर्च का रिजल्ट दे दूंगा कि हाँ ये नंबर जो है प्रेजेंट है। अगर लेट्स से यहां पे 1006 है, 1005 है ही नहीं, तो इसके पहले 100 था, यहां पे 1006 है, तो इस केस में मैं यहां पे डेफिनेटली ये कह सकता हूं क्योंकि 1005 जो है वो 100 से बड़ा है और 1006 से छोटा है, और इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये रोल नंबर इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे ये डिवाइड करने का लॉजिक जिसके थ्रू मैं सर्च कर रहा हूं, उस एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो, तो अगर हम एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर एल्गोरिथम अगर हम यूज करते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम को, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बिल्ड कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन जो आप दे रहे हो, अगर वो सॉल्यूशन कितना कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट कराने के लिए एक गिवन सेट ऑफ इनपुट के लिए। ठीक है, एक गिवन सेट ऑफ इनपुट के लिए कितना कम टाइम लेता है, इसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक लीनियर होना चाहिए। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डोंट वरी, हम लोग ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो यूज किया था, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर लिया और एक सर्चिंग एल्गोरिथम यूज किया, दो एल्गोरिथम्स हमने यूज किए, और इन दोनों एल्गोरिथम के थ्रू हम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल दिए। राइट, तो
तो ये रहा हमारा एक एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इफ यू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल।